हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और दोस्तों, आज फिर एक फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक जो कि धड़ाम हो गया है, और कारण एक ही है, ILFS में उस कंपनी का भी होल्डिंग है। और यही कारण है, जब आज डिस्क्लोज़र आया तो ये स्टॉक कल, हालांकि इस कंपनी ने अच्छे सितंबर नंबर्स पोस्ट किए थे, लेकिन उसके बावजूद आज मॉर्निंग में जब ये डिस्क्लोज़र आया, उसके बाद स्टॉक ने ज़बरदस्त गिरावट दिखाई। कौन सा ये स्टॉक है, क्या इसके लेबल्स रहेंगे, इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसके रिजल्ट्स के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन आप लोगों को एक ही बात कहूँगा दोस्तों, 5 या 7 मिनट का ये वीडियो है, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप गलत लेबल्स पर एंट्री लेके अपना नुकसान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक के बारे में। और ये स्टॉक है L&T फाइनेंस का, जो कि कल अच्छे क्लोजिंग के साथ था 126 का, बट आज उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और स्टॉक ने अपना जो लोअर हिट किया है वो लगभग 110 का लेबल टच किया है। सितंबर नंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सितंबर नंबर्स के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं ILFS की न्यूज़ में आपको दिखा देता हूं एक बार में जो न्यूज़ आज आई है, और मैं इसको आपको दिखाने के लिए यहां पर हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल पे चलेंगे। सो लेट्स सी न्यूज़, यहां पर आप देख सकते हैं, सो दैट कि आपको सबसे पहले हम न्यूज़ दिखा देते हैं, और आप देख सकते होंगे इस न्यूज़ में, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। L&T Finance reports exposure to the ILFS infra unit. L&T Finance Holdings LNTFH has announced that it had about 1800 crore exposure to some ILFS infra SP versus and about rupees 800 crore exposure to the project of the Supertech. 800 crore का जो exposure है वो Supertech के project के साथ है, और 1800 crore का जो exposure है वो कुछ ILFS infra SP वर्सेस के पास है, के साथ है। द कंपनी हैड रेज्ड 18,468 करोड़ बाय द मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स सिंस सितंबर 21। ये खबर है 10:52 की सुबह मॉर्निंग में, एंड L&T फाइनेंस वाज ट्रेडिंग एट रुपीज़ 116.8, डाउन बाय द 7.74%, जबकि इसने अपना जो लो हिट किया था वो हिट किया था 110 रुपीज़ का आज मॉर्निंग में। लगभग 20 लाख के वॉल्यूम के साथ गिरावट, यानी कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ स्टॉक में गिरावट आई है। इससे पहले कि हम लोग आगे की बात करें, हम लोग पहले आपको कंसोलिडेटेड जो इसके नंबर्स आए हैं, कल पोस्ट किए हैं कंपनी ने, वो एक बार दिखा देते हैं। सितंबर 2018, जो अभी FY19 की जो Q2 है, Q2 दूसरी तिमाही है, उसमें कंपनी का जो नेट सेल्स रहा है वो 3246 करोड़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 200 करोड़ के आसपास की सेल्स राइज की है, यानी जून 18 में लगभग 3041 करोड़ के आसपास की सेल्स थी। और ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो लास्ट सितंबर 2017 में कंपनी की जो टोटल सेल्स थी वो 2383 करोड़ के आसपास थी। तो यानी कि आप समझिए 2400 करोड़ के आसपास सितंबर 17 में थी, और वहाँ से लगभग 800 करोड़ के आसपास की सेल्स इंक्रीज़ की है। सो परफॉर्मेंस अगर रिजल्ट वाइज देखेंगे, अगर कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, तो टॉप लाइन ने अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही अगर PBT की बात करेंगे तो लास्ट ईयर केवल 385 करोड़ का ही प्रॉफिट था कंपनी को बिफोर टैक्स पेमेंट, बट इस बार लगभग 800 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को हुआ है अब इस वक्त, या आप 100% का प्रॉफिट मान सकते हैं। लास्ट जून क्वार्टर रहा है, जून 18 का, उसमें कंपनी को 729 करोड़ का प्रॉफिट रहा था, यानी कि 730 करोड़ आप लमसम मानिएगा, तो वहाँ से लगभग 67 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट राइज किया है। और अगर हम YOY पे बात करते हैं, सितंबर टू सितंबर की बात करते हैं, तो लगभग 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, मोर देन 400 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है इन द यू नो L&T फाइनेंस के जो सितंबर तिमाही है उसमें। उसके अलावा 238 करोड़ का इसमें टैक्सेस गए हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स कोई नहीं है। अदर इनकम्स में लगभग 80 करोड़ के आसपास की अदर इनकम रही है, जो कि पिछले साल सितंबर में लगभग 110 करोड़ की, यानी कि अदर इनकम भी डिक्रीज हुई है। तो इनका जो मेन जो अर्निंग्स हुई है वो इनकी ऑपरेशनल अर्निंग ही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 362 करोड़ का पिछले साल सितंबर में नेट प्रॉफिट रहा था, जो कि इस बार लगभग 560 करोड़ के आसपास, 559 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी का रहा है। हालांकि पिछली बार टैक्सेस जो थे वो कंपनी ने केवल 23 करोड़ ही पेमेंट किए थे, इस बार जो टैक्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, लगभग 238 करोड़ के टैक्सेस पेमेंट किए थे कंपनी ने। तो ये रहा। और बेसिक EPS की बात करते हैं, जहाँ पिछली बार 1.83 का EPS था, वो अब लगभग 1 का EPS बढ़ चुका है 1 रुपये का, और 2.81 का EPS इस सितंबर जो तिमाही थी उसमें पोस्ट किया कंपनी ने। तो QOQ और YOY दोनों ही ग्राउंड्स पे कंपनी ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं, चाहे वो आप जून क्वार्टर के कंपैरिजन में बात करें या सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में बात करें। ओवरऑल अगर हम
हाफ ईयरली नंबर्स देखते हैं तो आई थिंक अगर हाफ ईयरली नंबर्स अपडेट हो चुके होंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, हाफ ईयरली नंबर्स सितंबर 18 में और सितंबर 17 की बात करते हैं, कंसोलिडेटेड पे आते हैं, तो इससे हमें आइडिया हुआ कि हमारे जो एनुअल नंबर्स है कंपनी किस तरह के पोस्ट करने के कर सकती है। सितंबर 17 में कंपनी ने जो नेट सेल्स दी थी वो 4,642 करोड़ की थी। सितंबर 17 जो छमाही थी, सितंबर 18 जो छमाही उसमें कंपनी ने 6,334 करोड़ के आसपास की सेल्स दी, तो ज़बरदस्त उछाल है सेल्स में। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे अदर इनकम, जो कि अगर हम सितंबर 17 की बात करते हैं तो लगभग 217 करोड़ की अदर इनकम थी और इस बार अदर इनकम घट के 144 करोड़ की रह गई। इसके अलावा पीबीटी शानदार परफॉर्मेंस है, पीबीटी में जस्ट डबल हो चुका है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। जहां लास्ट ईयर सितंबर छमाही में 732 करोड़ का प्रॉफिट था, वही इस बार लगभग 1526 यानी 1526 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट हो चुका है कंपनी को। इसके अलावा टैक्सेस जो पिछली बार केवल 60 करोड़ के पे किए थे छमाही में, इस बार छमाही में लगभग 427 करोड़ के टैक्सेस पेमेंट किए हैं। हालांकि इसके बावजूद भी कंपनी को जो नेट प्रॉफिट है वो 1100 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछली बार ओनली 670 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स कंपनी के, जो इंडिविजुअल फंडामेंटल थे कंपनी के एलएनटी फाइनेंस के, वो बहुत ही शानदार है। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट जो एक खराब जो खबर आई है एलएनटी फाइनेंस, चूँकि काफ़ी टाइम से डिफॉल्ट करता चला आ रहा है और इसी डिफॉल्ट के चलते इससे जुड़ी है जो बहुत सारी कंपनी थी उनमें भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसमें जो इनका जो सबसे बड़ा निवेशक है, जो अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो LIC और SBI है और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से राइट इशू करके या कुछ और फंड रेजिंग करके इस कंपनी को डूबने से बचाया जा सके। और RBI भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर IL&FS अगर डूबती है तो एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस हो सकता है इंडिया के लिए, और जिससे लड़ने की पूरी तैयारी सरकार और जो IL&FS है वो कर रही है। फिलहाल IL&FS में और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है ये मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, बट फिलहाल अभी तक मुझे नहीं मिला। LIC और SBI का नाम मिला और कुछ जैपनीज कंपनीज हैं, बट जैसे ही मुझे कुछ और इंस्टीट्यूशंस के नाम पता चलेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा, जिससे आपको पहले से ही पता रहे कि इन कंपनीज का निवेश IL&FS में हैगा, तो यहाँ से हमें क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। ओके, सो लेट्स EPS की बात करते हैं। पिछली छमाही में सितंबर छमाही में जो EPS था वो 3.39 का था, जो कि इस बार 5.5 का हो गया। तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी की, बट चूंकि एक सेंटीमेंट, एक इस तरह की न्यूज़ आई है जिससे कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हुआ है, तो उसके लिए हम लोग टेक्निकल चार्ट पे बात करेंगे कि कंपनी में किस तरह की परफॉर्मेंस आ सकती है। देखिए, अभी अगर मैं बॉटम लाइन बात करता हूं, तो आज कंपनी ने स्टॉक ने लगभग 110 का लेवल हिट किया है डेली चार्ट पे, बट क्लोजिंग नहीं हुई है अभी तक, अभी क्लोजिंग का वेट कर रहा है। फिलहाल 116.90 रुपये यानी 116.90 के रेट पे इस वक्त L&T फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। इसका जो मोस्ट क्रूशल सपोर्ट लेवल है वो लगभग 107 का है डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे, तीनों ही ग्राउंड पे मैं बता रहा हूँ आपको। अगर डेली पर भी ये 107 के नीचे बंद होता है तो आपको 100 लेवल का टारगेट इसमें मिलेगा। अगर ये मंथली चार्ट पे यानी कि अक्टूबर मंथ में L&T फाइनेंस ने 107 के नीचे की क्लोजिंग दे दी, सो दोस्तों ये स्टॉक फिर आपको 85-90 रुपीज़ की रेंज में डेफिनेटली मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, जिन लोगों के पास होल्डिंग्स हैं वो भी आप समझ लीजिए, आप पैनिक की सिचुएशन तो होगी क्योंकि आप लोगों के पास जो होल्डिंग्स होगी वो हायर लेवल्स पे होगी ऑब्वियसली, बट अगर मैं फंडामेंटली बात करूँ तो कंपनी में किसी भी तरह का फंडामेंटल इशू नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि एक एक्सपोजर आया कि 1800 करोड़ रुपए का एक्सपोजर जो है वो IL&FS के अंदर है L&T फाइनेंस का, और यही कारण है कि ये कंपनी जो है इसका जो प्राइस है वो आज डिक्लाइन हुआ एक अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद भी, सितंबर नंबर्स के बाद। तो यहाँ से अगर और गिरावट आती है स्टॉक में, अगर रिकवरी नहीं आती है, सो आप मान के चलिए अक्टूबर मंथ का जो मेन इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है 107 है। 107 के नीचे अगर ये वीकली डेली या मंथली क्लोजिंग देता है देन आपको लगभग 85-90 रुपीज़ के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आप एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं। सो गाइज, ये हमने आपको LFS के बारे में बता दिया। आई नो कि चूंकि पहले से हम आपको अलर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये न्यूज़ ही आज ओपन मार्केट के समय पर आई है और कोई कह नहीं सकता कि कब कौन सी न्यूज़ आने वाली है, एंड बट फिर भी हमने अब आपको आगे के आने वाले जो स्तर है उनके बारे में पहले से इंडिकेशन दे दिया, तो आप उन लेवल्स को याद रखिएगा। 107 इज द मोस्ट क्रूशल सपोर्ट लेवल। अगर वीकली मंथली चार्ट पे 107 रुपए के नीचे की क्लोजिंग आती है देन आप 85-90 के लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं L&T फाइनेंस के अंदर। तो दोस्तों ये एक और शेयर था फाइनेंस सेक्टर का जो कि धड़ाम हुआ है, और उसका एक ही कारण है IL&FS में इस कंपनी का भी एक्सपोजर है।
अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिएगा दोस्तों, नमस्कार।